नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज सिंधी में। दोस्तों, आज तालिबान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, साथ ही दुनिया को ये भी पता तालिबान को मदद करने वाला आखिर कौन सा देश है और आज तालिबान किसके इशारों पर नाच रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, ना तो पाकिस्तान और ना ही चाइना तालिबान की सरकार के अंदर इतना इन्फ्लुएंस रखता है जितना इन्फ्लुएंस आज रशिया तालिबान की सरकार के अंदर रख रहा है। और दोस्तों, आप देख रहे हो कि कई दिनों से रशिया इस चीज को लेकर काफी बयानबाजी भी कर रहा है और तालिबान का लगातार सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आखिर क्या प्रूफ मिले हैं जिनकी वजह से माना जा रहा है कि रशिया तालिबान को बहुत ही बड़े तौर पर सपोर्ट कर रहा है और असल में रशिया चाहता है कि तालिबान अपनी गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह से बना ले और असल में रशिया चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर ले और जो कि पंजशीर के इलाके अभी बचे हुए हैं उन पर भी तालिबान अपना कब्जा कर पूरे अफगानिस्तान अपने कब्जे में ले ले। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई दिनों से पंजशीर वैली को लेकर अफगानिस्तान में बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पंजशीर वैली ही ऐसी है जहां पर अमेरिका आया तो अमेरिका फेल हो गया, सोवियत यूनियन आया तो सोवियत यूनियन फेल हो गया और यहां पर अब जब तालिबानी आए तो तालिबानी भी पहली किस्त चुका चुके हैं और यहां पंजशीर के इलाके में 300 तालिबानियों को आज सुबह ही ढेर किया जा चुका है और यही कारण है कि पंजशीर के ऊपर बिगड़ते हालातों को देखते हुए तालिबान के जो बड़े प्रमुख हैं वो रशियन एम्बेसडर के पास गए हैं और उन्होंने उससे कहा है कि आप हमारी पीस डील करवाइए, कोई ऐसा एग्रीमेंट पंजशीर के इलाके में करवाइए जिससे कि हम यहाँ पर सत्ता के अंदर अच्छे से काबिज हो सकें और सत्ता को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकें। और दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब तालिबान किसी भी जंग को लेकर उतारू नहीं है और वह नहीं चाहता कि किसी भी तरह की पंजशीर के इलाके में कोई जंग उनको लड़नी पड़े क्योंकि उनको पता है कि पंजशीर के इलाके को जहां पर कई सारे गुट काम करते हैं उनको कभी भी हराया नहीं जा सकता और यही वजह है कि तालिबान आज पीस डील करने के लिए उतारू है। आपको बताते हैं कि नॉर्थर्न अलायंस को रशिया भी सपोर्ट कर चुका है और इसी कारण से वह भारत के पास नहीं गए, अमेरिका के पास नहीं गए और वो सीधे रशिया के पास गए हैं जिससे कि रशिया मीडिएटर बनकर नॉर्थर्न अलायंस के साथ उनकी पीस डील करवा सके। और दोस्तों, इससे साबित होता है कि आखिरकार तालिबान की पूरी सरकार में उसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है और ये पूरी जानकारी रशिया के एम्बेसडर ने दी है कि तालिबान के जो बड़े नेता हैं वो उनके पास आए हैं नॉर्थर्न अलायंस को लेकर पीस डील करवाने के लिए। और दोस्तों, आज तालिबान को पता है कि वह सारी उम्र लड़ता रहेगा लेकिन पंजशीर के इलाके को वह नहीं जीत सकता। तालिबान आज पीस डील करने के लिए रशिया के पास पहुंचा है जिससे कि रशिया उनकी पीस डील पंजशीर के लड़ाकों के साथ करवा दे और वह आराम से अपनी सरकार अफगानिस्तान के अंदर चला सके। साथ ही आपको पता है कि रशिया पिछले कई दिनों से एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट तालिबान के समर्थन में दे रहा है और वह चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार को पूरी तरह से काबिज करे और वो पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा ले और ये दिखाता है कि तालिबान के अंदर रशिया की कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस आज बढ़ गई है। और अब जब रशिया तालिबान को सिक्योर कर रहा है तो नहीं लगता कि पंजशीर या फिर कोई और लड़ाके तालिबान को हिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या रशिया पंजशीर के लड़ाकों को और तालिबान को एक जगह बिठाकर एक पीस डील करवा सकता है और ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा कि वह किस तरह की डील करवा पाता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और मीडिया के अंदर ये खबरें आ चुकी हैं कि रशिया आखिरकार तालिबान को कितना ज्यादा बैक सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों, आज जितना ज्यादा रशिया सपोर्ट तालिबान को कर रहा है उतना तो शायद पाकिस्तान और चीन भी तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि रूस के कहने पर पंजशीर के जो लड़ाके हैं वो तालिबान के साथ किसी भी तरह की डील कर पाते हैं या नहीं। और दोस्तों, पंजशीर के जवानों को भी पता है कि जब जब उन्होंने तालिबान के साथ हाथ मिलाया है तब उन्होंने धोखा ही खाया है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।